मुझमें ही खुजली थी, मणियासुर में बदला था। कहानी उस पहले पुलिस इनकाउंटर की। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान, एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्व सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान, एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्व सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है।
मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटककर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है।
जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं।
जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है।
यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है,
जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं।
पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को भी चाकू मार देता है। बाद में मान्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है।
मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती
सकती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है।
पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटककर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मान्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है।
भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर
गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा।
जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी
हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार,
जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है। हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मान्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है। हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन,
इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान, एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट
वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है।
बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है।
मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मान्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हंसकर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मान्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीटकर अपने घुटनों पर
अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है।
मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोनिया और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है,
जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में। अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहां से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं।
जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है।
यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान, एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है, जो गोलिया से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुरवे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुरवे गुंडों से में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को जी चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर, वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है। आज मैं आपको शूट आउट एट वडाला इस मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुलिस वैन में अफाफ बागवान, एक गैंगस्टर मारवा सूर्य द्वारा सुनाई गई कहानी को सुन रहा है,
जो गोलियां से छन्नी शरीर से गंभीर रूप से घायल भी हो रहा है। मन्या सुर्वे कीर्ति कॉलेज तारर की एक अच्छी छात्रा है। वह विद्या जोशी से प्यार करता है और अपनी शादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपने माँ के पास उसे ले जाता है। मन्या का भार्गव सूर्य नाम के बड़ा भाई भी है, जो एक मवाली उपद्रवी गुंडा है। भार्गव का भाटकर नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ संघर्ष भी चल रहा है और वह फिलहाल वहाँ से फरार है। जल्द ही भार्गव पर भटक कर के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और उसे पीटा जाता है। मान्या उसे बचाने के लिए आगे आती है, जबकि मान्या सुर्वे गुंडों में से एक को पकड़ लेती है। भार्गव गुंडे को चाकू मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत भी हो जाती है। मान्या के परीक्षा परिणाम के दिन, इससे पहले कि वह अपने ग्रेड का पता लगा पाता, मान्या और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मान्या को इंस्पेक्टर अम्बोलकर द्वारा कॉलेज के में सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। यरवदा सेंट्रल जेल में समाप्त किया जाएगा। जेल में मुनीर नाम का एक अन्य अपराधी मान्या को लंच के समय पोटिया नाम के गुंडे द्वारा हमला किए जाने पर बचा लेता है। इस हमले के दौरान भार्गव मारा जाता है। मुनीर मान्या और एक अन्य अपराधी वीरा से भी दोस्ती करता है। वीरा मान्या को मजबूत बनने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। मान्या ट्रेनिंग करती है और फिर अंततः पोटिया द्वारा चुनौती को स्वीकार करती है। पोटिया उस पर पीछे से हमला करता है और मान्या की पिटाई करता है, जिसके जवाब में मान्या पोटिया को ही चाकू मार देता है। बाद में मोन्या और मुनीर दोनों ही रेलवे ट्रैक पर काम करते समय जेल से भागने का फैसला करते हैं और दोनों भाइयों से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जो मुंबई के सौदों पर राज करते हैं। पहला भाई जुबीर इम्तियार, जो कि मस्त है और मान्या से प्रभावित है, हालांकि दूसरा भाई दिलावर मान्या को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता है और उसे नापसंद करता है। इसके बाद मान्या अपना गिरोह बनाता है, जिससे मुनीर वीरा और ज्ञानचो शामिल हो जाते हैं, जो मुनीर द्वारा लाया गया एक शार्प शूटर है। जल्द ही मान्या भटक कर गैंगस्टर जिसने उसे अपने भाई को गिरफ्तार किया था को खत्म कर देता है। भटकर का अंगरक्षक जलाम भी उसके साथ हो जाता है। इसके बाद मान्या अम्बोलकर को सार्वजनिक रूप से बहरे में से पीट कर अपने घुटनों पर अंत में ले आता है। आगे की कहानी मस्तान द्वारा एक बेईमान समाचार रिपोर्टर सादिक की मौत को दिखाती है। इसे हस्कर भाइयों और मस्तान के बीच की लड़ाई भी छिड़ने का कारण बनाती है।